अमेठी, निराश्रित पशुओं से किसान परेशान। जिले में सरकारी नीतियों और योजनाओं को ताक रखे हुए है अधिकारी। तहसील गौरीगंज के विकास खंड शाहगढ़ क्षेत्र में पनियार पावर हाउस के निकट खेतों में निराश्रित जानवरों की भरमार है। इन जानवरों की ओर जिले के किसी भी अधिकारी कर्मचारी का ध्यान नहीं जा रहा है। आखिर किसान करे तो क्या करे, जबकि प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं निराश्रित जानवरों को लेकर फेल नजर आ रही हैं। अब किसान अपने घर की रखवाली करे या खेतों की, किसान चारों ओर से परेशान हैं। निराश्रित जानवरों की ओर जिले के आला अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। अमेठी से लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं जिले के विकास खंड सागढ़ के पनियार पावर हाउस के पास में। एक तरफ योगी सरकार जहां चारों तरफ छुट्टा जानवरों को लेकर के वचनबद्ध है कि 10 जनवरी से लेकर के सारे डीएम को आदेश किया गया है कि एक भी जानवर खुले में नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन सारी योजनाओं को, सारे आदेशों को सारे अधिकारियों ने नज़रअंदाज करते हुए ताक पर रख दिया है। और इससे किसान इतना परेशान है कि चारों तरफ त्रस्त है, छुट्टा जानवरों से किसान त्राहि त्राहि मचा रहा है। आइए किसानों से जानते हैं क्या राय है। क्या नाम है भैया? ओन यादव। ये जो जानवर, हमारा जानवर घूम रहे हैं चारों तरफ, इससे फसलों को नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है आप लोगों को? हमको देखो, हम लोगों को ये परेशानी है कि ये जो है जानवर डेली 50-60 जानवर 70 जानवर आके खेतों को नुकसान कर रहे हैं। इससे हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कोई अधिकारी इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं, कोई अधिकारी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, ना कोई अधिकारी यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग खाली इसको बस अपने खेतों से मतलब हांक रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं बस खाली।